we just reached only. Now see where he will take us. ये जस्ट गाइडर ने अपनी गाड़ी पार्क की है और अंदर से शायद उसकी टिकट वगैरह लेने के लिए गया है। तो हमने टिकट ले ली है, टिकट जो थी वो 20 मन्नत पर पर्सन और ये जी फायर है इसको देखने के लिए और अंदर पे हमें लेके जा रहे हैं। पहले कह रहा है कि इसमें ये जो हॉल बना हुआ है यहाँ से भी फायर निकलती थी तो अभी नहीं है और ये नेचुरल है। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं रूम के। इनसाइड इज सो डार्क। और ये जो है इस जगह के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है और ये पिक्चर्स भी जो है इसके साथ में चल रही हैं। तो हमारे गाइडर ने जो हमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि ये जो फायर है बिल्कुल नेचुरल है, इसका मतलब ये कोई सिलेंडर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये माउंटेन से निकलती है। तो यहाँ पे छोटे छोटे से रूम थे और ये गाइडर हमारा एक्सप्लेन कर रहा था, बट मैंने इसकी वॉइस को कर दिया म्यूट क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्रीज ऑफ एनीथिंग। मुझे हिस्ट्री से ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर करना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने जिस रूम में जा रही थी उसमें अलग अलग इन्होंने चीज़ें रखी हुई थी, तो मुझसे जितना हो सका मैंने उन चीज़ों को कैप्चर किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और लंबी वीडियोज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। एंड ऑल्सो आई नो द पीपल ऑल्सो डोंट लाइक टू सी द वेरी लॉन्ग वीडियोज़, सो मुझसे जितनी शॉर्ट हो सकता था मैंने उतनी शॉर्ट वीडियोज़ को करने की कोशिश की है। दैट्स वाई आई एम अपलोडिंग एज अ वन बाय वन। तो ये आप देख सकते हैं हर एक रूम में, इनके रूम बहुत छोटे थे, अंदर जाते हुए एक दफ़ा तो मेरा सर भी लग गया था। खैर अच्छी चीज़ें थी, इंटरेस्टिंग थी। हर एक रूम में छोटे छोटे से रूम बना के इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रखी हुई थी। और आगे जो ये भी एक आदमी बैठा हुआ था, ये भी एक मूर्ति थी, इसको मैं बिल्कुल रियल समझी थी और इससे मैं बहुत बुरा डर भी गई थी। और ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट मतलब किया हुआ है इस जगह को। आप लोग जब भी बाकू में जाएं तो इन जगहों का लाजमी विज़िट करें। मुझे तो खैर ये जगह इतनी अच्छी नहीं लगी थी, इसकी जो टिकट थी वो 20 मन्नत अंदर आने के लिए, इन चीज़ों को देखने के लिए, मूर्तियों को। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो में अच्छी लग रही है तो ये आप लोग इस जगह पे जाना है। इसका जो फायर माउंटेन था वो मुझे अच्छा लगा था और वो भी हम लोग जाएंगे तो मैं आपको दिखा। एंड नाउ वी आर हियर एट बर्निंग माउंटेन। अभी हम लोग नीचे जाके देखेंगे कि नज़दीक से कैसे, नज़दीक से भी वैसे ही होगा। अगर हम जाके देखते हैं इसके पास। सो ये गाइस देखें कि ये माउंटेन में से आग निकल रही है और एज अवर गाइडर टोल्ड अस कि ये स्नोफॉल में भी ऐसे ही रहती है और जब बारिश वगैरह होती है तो ये ऐसे ही रहती है। ये एकदम नेचुरल है, कोई गैस वगैरह कुछ भी नहीं है। सो नेचुरल, सो नाइस। सोचा कि बर्निंग माउंटेन के साथ एक वीडियो होनी चाहिए, तो मैंने वॉक करते हुए एक वीडियो बनाई बर्निंग माउंटेन के साथ जो कि बाकू में है। सो नाउ वी आर गोइंग द प्लेस वेयर वी कैन सी फोर विलेज ऑफ बाकू। सो वी आर गोइंग अप एंड सी व्हाट इज देयर, व्हाट्स द सरप्राइज इज देयर। सो नाउ आई कम अप ऑलरेडी by the stairs and here I can see the village of Baku behind me. They say is there are 6 villages or 4, I think, I don't know, I forgot. ये देखिए ये इनके छोटे छोटे से विलेज बने हुए हैं, बड़ी प्यारी जगह है ये भी। और यहाँ पर थोड़ी सी धूप आ रही है तो सर्दी थोड़ी कम हो गई है, वरना यहाँ पर सर्दी बहुत ही ज़्यादा है। मेरे हाथ अभी भी ठंडे हो रहे हैं। फिर हम लोग गए एक रूम में जहाँ पे आपका शेडो जो है वो फायर का था और जो आप करेंगे वो आपका शेडो भी कर रहा था। खैर मेरा शेडो तो गायब हो जाता था बार बार, फिर मैं साइड पे हो गई। मैंने सीतू को बोला कि तू ही कर ले, मेरी खैर है। तो सीतू ने थोड़ी सी डांसी की, डांसी करके हमें लग गई भूख और हम सीधा पहुँचे जी रेस्टोरेंट में खाना खाने। तो इनकी ये जो ड्रिंक थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, इसमें कोई फ्रूट था शायद,
और हमने सोचा कि चले ट्राई करते हैं समथिंग डिफरेंट। और ये मैंने लस्सी भी ऑर्डर की हुई थी, तो ये फ्रूट की ये ड्रिंक थी। मेरे गाइडर ने मुझे इसका नाम बताया था लेकिन मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है। फिर मैंने सोचा कि इसको खा के देखा जाए, तो इसका टेस्ट जो है वेरी डिफरेंट एंड इट वॉज नाइस, वेरी नाइस। मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा। आई विश के मुझे इसका नाम याद होता। खैर, मेरे भूलने की बीमारी मुझे ले डूबेगी किसी दिन। तो मैंने ड्रिंक भी पी, बहुत मज़े की थी। अभी हम ये स्प्रिंग रोल खा रहे हैं, इसके अंदर चीज़ है और इस चीज़ का नाम है शॉर्ट शॉर्ट, राइट। तो ये बहुत टेस्टी है। The cheese taste is so yummy. What? I love it. ये चीज देखिए ये कितनी लंबी जा रही है, ये टूट ही नहीं रही थी, ये बहुत लंबी जाएगी। तो इसको मैं पीछे से खा लेती हूँ। Finally, मेरे को is it nice? Yum. हम यहाँ का अजरबैजान का हम लोग जो ट्रेडिशनल फूड ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत मज़े का लग रहा है। और Your recommendation is very nice. The food all very good. अब ये मैंने प्लेट में रखा है, ट्राई करके आप लोगों को बताती हूँ। तो ये है लैम पिज़्ज़ा, इज़ इट? पिज़्ज़ा लाइक नान बट इनसाइड गुड लैम। लेट्स ट्राई एंड सी। Thank you. So this is the lassi just now we have in the copper. इनकी salty lassi थी, बहुत मज़े की। और ये देखिए बनाने का स्टाइल भी कितना अच्छा है। इट वॉज वेरी नाइस एंड यू कैन सी द रेस्टोरेंट ऑल्सो। द फूड इज ऑसम। द प्लेस इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड सुपर। So we enjoy our food and now we are going back. Shisha bhi hai inke paas and the aquarium is nice. The food was awesome. We love it.